खरगोन जिले के बड़वाह में एक तरफ जहां नवरात्रि महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है, वहीं जयंती माता मंदिर जाने के रास्ते को सीआईएसएफ के जवानों ने सुबह रोक दिया, जिससे श्रद्धालु परेशान होते नजर आए। रास्ते से हटने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष ने सीआईएसएफ अधिकारियों ने अनुरोध किया, लेकिन इसे मानने से इनकार कर दिया। नवरात्रि के पावन पर्व में इन दिनों जयंती माता के दर्शन करने को सुबह 4 बजे से देर रात तक हजारों भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। जयंती माता रोड पर हर रोज महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग पैदल चलकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं। सैकड़ों लोग दोपहिया चार पहिया वाहनों से परिवार सहित माता के दर्शन को जाते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों सीआईएसएफ द्वारा अपने ट्रेनर जवानों की दौड़ को लेकर सुबह शाम ट्रैफिक रोका जा रहा है, जिससे हजारों भक्तों को बीच सड़क पर रुकना पड़ता है, जिससे जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। बड़वाहा एसडीएम श्री प्रताप कुमार अगासिया एवं नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने श्रद्धालुओं की परेशानी को लेकर सीआईएसएफ के अधिकारियों से चर्चा कर नवरात्रि के समय ट्रेनिंग रन आदि को या तो जयंती माता द्वार से आगे की तरफ कर ले या फिर सुबह 5 बजे से पूर्व कर ले, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना करना पड़े। नवरात्र के प्रारंभ से ही मैं देख रहा हूँ, मैं लगभग प्रतिदिन प्रातः मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ में जयंती माता दर्शन के लिए जाता हूँ, तो मैं पड़वा के दिन से ही ये बात नोटिस कर रहा हूँ कि सीआईएसएफ के अधिकारियों द्वारा 8, 8:15, 8:30 जब भी जैसा समय होता है वो लोग जो है वो नए ट्रेनर्स को रनिंग कराने के लिए रोड रोक देते हैं और आवागमन को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। चूँकि ये 9 दिन माता के यहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालु न केवल बड़वा शहर से बल्कि दूर दूर से आते हैं, हम सब लोग इस बात को जानते हैं, और उनको जो है वो समय वहाँ पर बिना कारण बताए रास्ते पर रोक दिया जाता है। कुछ बच्चों को स्कूल जाने का समय होता है, माता बहनों को भी घर पर काम होता है, लेकिन इनके पास कोई वो नहीं, अभी हमारे ट्रेनर्स दौड़ रहे हैं तो आप लोग रुक जाइए। इस विषय में मैंने जब 2-3 दिन लगातार देखा तो मैंने बात भी की, संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया, मैंने उनसे ये भी निवेदन किया कि भाई इसमें और भी विकल्प हैं, आप लोग चाहें तो जयंती माता गेट के आगे सुदरपुर तक पूरा रोड खाली होता है, अपन वहाँ दौड़ सकते हैं, समय का एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि 5 बजे के पहले अपन ये काम कर लें, और यूँ भी 9 दिन की बात है क्योंकि जयंती माता पे इस तरह का ट्रैफिक केवल 9 दिन होता है, आमतौर पर बहुत कम श्रद्धालु वहाँ जाते आते हैं, लेकिन किसी भी तरह से सीआईएसएफ के अधिकारी मानने को तैयार नहीं। एसडीएम साहब द्वारा भी उनसे उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी। आज भी जब मैं सुबह से गया तब मैंने देखा कि जाते समय उन्होंने रास्ता रोक दिया और सैकड़ों वाहन रास्ते में खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक जाम था तो इसलिए मैं भी साइड में खड़ा हो गया, लेकिन जब मैंने उनसे निवेदन किया तो वो तैयार नहीं हुए। इसी बीच कुछ हमारे श्रद्धालुओं ने इस बात का जब विरोध किया तो उनको डराया धमकाने जाने लगा, कुछ श्रद्धालु इसका वीडियो बनाने लगे तो कुछ सीआईएसएफ के वर्दीधारी आकर उनको बोले कि इसका ऑर्डर नहीं, आप वीडियो नहीं बना सकते। तब भी मैंने उनसे कहा कि सर आप लोगों के पास में रास्ता बंद करने का कोई लीगल ऑर्डर तो है नहीं, और उसके बाद अगर लोग विरोध कर रहे हैं या वीडियो बना रहे तो आप उनको भी धमका रहे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। उस पर वो मुझसे भी बहस करने लगे, मैंने जो है वहाँ से आकर फिर अपने विभागीय अधिकारी से, माननीय कलेक्टर साहब से और माननीय कमिश्नर साहब से इस विषय में अवगत कराया, साथ ही जो है वो मैंने सीआईएसएफ के मुख्यालय पर भी और देश के गृह मंत्रालय में भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया, क्योंकि हम सब लोग वो लोग हैं जो हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति गहरी आस्था रखते हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता इनके हाथों में है, और इसलिए हर संभव न केवल सहयोग करते हैं बल्कि हृदय से उनके लिए बहुत सम्मान भी रखते हैं। और चूँकि शुरू से ही हम लोग यहाँ बड़वा में सीआरपी रही, अब सीआईएसएफ है, हम लोग सीआरपी में ही कैंपस में पढ़े हैं, पिछले 2 वर्षों में भी जब भी सीआईएसएफ की तरफ से कोई भी बात हमारे नॉलेज में लाई गई तो हमने तुरंत उनकी व्यवस्था कराई, क्योंकि हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो देश की सुरक्षा में खड़े हैं उनकी सेवा करना, उनकी व्यवस्था करना हमारा धर्म है, लेकिन इन सिक्योरिटी एजेंसीज का भी कोई धर्म होता है, इनको भी कम से कम लोगों की इस तरह की भावना से, खास करके जब श्रद्धा का विषय हो, आज नवरात्र चल रहे हैं, रास्ता से भरे हुए लोगों को इस तरह से रोकना, अनुचित ढंग से रोकना और उस पर फिर दादागिरी बताना, इस सब का मैं बहुत कड़ा विरोध करता हूँ, और मैं इस बात के लिए उच्चाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ में सख्ती से कदम उठाएं और इस बात को रोकें, भविष्य में कभी इस तरह की कोई आवश्यकता पड़े तो उसके लिए नियम संगत ढंग से आप परमिशन लें और लोगों को सूचना दें कि इतने समय तक रोड बंद रहेगा, तो
तो बात समझ में आती है, लेकिन इस तरह से अपनी मनमानी करके श्रद्धालुओं का समय खराब करना, उनको परेशान करना, ये एक तरह से हमारी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, और इसका पुरजोर विरोध है। इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि व्यवस्था दोबारा इस तरह से नहीं हो। नर्मदे हाथ।